नमस्कार आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की। आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आप सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद भी इस बात का कि इस लोकतंत्र के महापर्व में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आपने इस लोकतंत्र के इस महापर्व में इस पूरी प्रक्रिया में जो सहयोग किया राष्ट्र के लिए मतदान बढ़ाने के लिए, इसके लिए भाजपा परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और खुशी की बात यह है कि आज एनडीए गठबंधन की बैठक हुई और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनने जा रही है। इसके लिए भी मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनना, ये निश्चित रूप से देश की जनता का विश्वास है। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और देश की जनता फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से देश की जनता का विश्वास अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। उसमें आप सब लोगों का सहयोग रहा, इसके लिए आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। सबसे पहले तो गहलोत साहब को राजनीति से मुझे लगता है कि दो बार लॉन्चिंग हो गई, दोनों बार फेल हो गया मामला। इसके लिए राजनीति से किसको नाम लेना चाहिए ये उनको विचार करना चाहिए, ये एक सामान्य बात नहीं है। दो बार किसकी, उनके बेटे की बात कर रहे हैं? उनके बेटे माननीय वैभव गहलोत जी, क्योंकि किसको नाम लेना चाहिए राजनीति से। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नाम पर, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर, जिनके किए हुए विकास कार्यों पर देश की जनता ने मोहर लगाई है। और एक बार सरकार बनाना कई लोगों को लगता है कि परिस्थिति बस बन जाती है, लेकिन लगातार तीसरी बार इसका मतलब स्पष्ट है कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। राजस्थान में जो बीजेपी को उम्मीद थी वो पिछड़ा परिणाम नहीं आए, कहाँ पर क्या चूक मानते हैं, मंथन इस पर पार्टी कर रही है? देखिए, हमेशा अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं रहते, हमेशा जो मन में सोचते हैं वो नहीं होता। आप भी कई बार मन से घर निकलते होंगे, आज अच्छी स्टोरी करूँगा, कुछ करूँगा, ये होगा, लेकिन हमेशा जो चाहते वो नहीं होता है। लेकिन जो नहीं हुआ है उसके बारे में भी बातचीत होगी और उसके बारे में भी विचार होगा। बहुत धन्यवाद, आप सब लोग इस वृक्षारोपण विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर आए, इसके लिए आप सबका आभार।